दुनिया खत्म होने के बाद सिर्फ एक ही जगह ऐसी बची थी जहां पर रहा जा सकता है। वहां पर एक लड़की रहा करती थी। थोड़े दिनों में ही एक आदमी भी वहां पर आ जाता है। अब आगे क्या होगा आज हम इस एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। मूवी का नाम है जेड फोर जैशरा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2015 में। आगे इस मूवी में ट्विस्ट आता है तो इसलिए इस मूवी को अंत तक जरूर देखेगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हमें पता चलता है कि पूरा वर्ल्ड बर्बाद हो चुका है। इसी बीच हम हमारे मूवी के मेन कैरेक्टर एन को देखते हैं जो कि जिंदा होती है। वो अकेली इस सिटी में घूम रही थी। उसके जीने के लिए जो भी जरूरत का सामान था वो उसे उठाकर अपने घर लेकर जा रही थी। पूरे वर्ल्ड में रेडिएशन फैल चुका था लेकिन जहां पर एन रहती थी वहां पर कोई रेडिएशन नहीं था। बेचारी अकेली रहती है, अकेली खाना खाती है। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ उसके पास एक गन और एक डॉग था। ऐसे ही एक दिन उसने अचानक से एक वैगन को देखा। ये वैगन एक आदमी का था जिसका नाम था लूमिस। उसे ये पता नहीं था कि उसके अलावा इस वर्ल्ड में और कोई भी जिंदा है या नहीं, क्योंकि जहां पर वो जाती थी वहां पर कोई भी नहीं होता था। उसने उस आदमी को ढूंढने की काफी कोशिश की लेकिन कड़ी मेहनत के बाद वो आदमी मिल जाता है। ये हमारा एक और मेन कैरेक्टर है, इसका नाम है लूमिस। लूमिस ने जब ये जगह देखी तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो चेयर करने लग गया। आगे जाकर उसे एक झरना मिलता है। एन ये सब देखकर उसके पास आ गई और उसे कहती है प्लीज इस पानी से बाहर आ जाओ, इसमें रेडिएशन है, ये पानी ऊपर से आता है, इसमें नहाना सेफ नहीं है। लूमिस बहुत डर गया था। वो एन पर गन पॉइंट कर लेता है लेकिन एन के समझाने के बाद उसने अपनी गन नीचे कर ली। पानी से बाहर आता ही वो उल्टी करने लग जाता है। वो जल्दी से अपने वैगन के पास पहुंचता है। उसके पास एक सिरप है जो उसे रेडिएशन से बचा सकता है। वो अपने आप से इंजेक्ट कर नहीं सकता था तो उसने एन से हेल्प ली। वो बहुत कमजोर पड़ चुका था इसलिए एन उसे अपने घर लेकर आती है। 2-3 दिनों तक उसने उसका खूब ख्याल रखा। वो उसके बारे में और जानना चाहती थी इसलिए उसने वैगन का सामान चेक किया, जहां पर एक की फोटो उसे मिलती है। उसे लगता है कि शायद वो उसकी वाइफ है। बेचारी एन यहाँ पर अकेली पड़ चुकी थी, उसे किसी की जरूरत थी। अगले सीन में एन खेत में काम कर रही थी तभी लूमिस वहां पर आता है, यानी लूमिस अब ठीक हो चुका था। लूमिस कहता है तुम्हें खेत के लिए ट्रैक्टर वगैरह यूज करना चाहिए। एन कहती है ट्रैक्टर में कोई भी पेट्रोल नहीं है। लूमिस कहता है मैंने वहां पर पेट्रोल पंप देखा था। फिर एन कहती है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। फिर लूमिस जाकर सब इंट्रैक्शन फॉलो करके उस पेट्रोल को भरकर ले आता है। इस बात से एन को बहुत अच्छा लगा था। रात में डिनर करते वक्त एन और लूमिस बात करते हैं। तभी एन बोलती है तुम्हारी वाइफ का क्या हुआ, मैंने उसकी फोटो देखी थी। तब लूमिस कहता है वो मेरी वाइफ नहीं है, एक जमाने में वो उसे प्यार करता था पर अब बहुत टाइम हो चुका है। फिर अगले दिन ये दोनों फिशिंग करने के लिए चले जाते हैं। लूमिस ने बहुत सारे फिश पकड़े थे। तब एन कहती है हम फिश को स्टॉक करके रख सकते थे अगर हमारे पास फ्रीजर होता तो। जनरेटर था लेकिन वो भी खराब हो चुका है। लूमिस कहता है मैं देखता हूँ। उसने चेक किया लेकिन जनरेटर बुरी तरह से बर्बाद हो चुका था। पर जनरेटर से लूमिस को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का आइडिया आया। वो कहता है कि यहाँ पर पास ही एक झरना है जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एन को इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था इसलिए वो इस बात को टाल देती है। अब रात में लूमिस बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। फिर एन उसे उठाकर बेडरूम लेकर जाती है जिस पर लूमिस काफी गुस्सा हो गया। वो उसे कहता है कि मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। ड्रिंक के नशे में लूमिस जबरदस्ती एन के साथ अल्टीमेट होना चाहता था लेकिन एन लूमिस को किसी तरह से समझाकर उसे रोक लेती है और वहां से चली जाती है। अगली सुबह उसने रियलाइज किया कि जो भी रात में उसने एन के साथ किया वो बहुत गलत किया। इसके लिए वो एन को सॉरी कहता है। एन जब चर्च में पियानो बजा रही थी तभी उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। जब बाहर जाकर देखती है तो वहां पर लुमिनस था जो लकड़ियां तोड़ रहा था। फिर रात हो जाता है। रात में एन बहुत अच्छा सा डिनर बनाती है। अब एन ने लूमिस से कहा हम दोनों में सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए। वो उसके साथ झगड़ना नहीं चाहती है बल्कि ये दोनों एक दूसरे से मिलकर रहना चाहते थे। ये डिनर करके म्यूजिक लगाते हैं, इंजॉय करते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं। इसके बाद ये दोनों ऊपर आए। लूमिस को एन के साथ अल्टीमेट होना था पर इस बार भी एन लूमिस को मना नहीं करना चाहती थी लेकिन किसी सिचुएशन की वजह से वो आज फिर अल्टीमेट नहीं होती है। वो उसे कहती है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ बल्कि इसके लिए कुछ दिन और हम दोनों को वेट करना चाहिए। सही टाइम पर मैं तुम्हें खुद एंटीमेट होने से नहीं रोकूंगी। अब ये दोनों एक ही बेड पर सो जाते हैं लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होता है। सुबह एन घूम रही होती है तभी उसका डॉग एक और आदमी को ढूंढ लेता है। ये भी इस मूवी का लीड कैरेक्टर है, इसका नाम है केलव। केलव एन से कहता है कि मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहता हूं, अगर मुझे थोड़ा पानी मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एन फिर उसे घर लेकर आती है लेकिन लूमिस को ये सब अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। वो केलव पर गन पॉइंट कर लेता है लेकिन एन उसे किसी तरह से रिलैक्स करती है। एन उसे पानी देता है और उससे आगे का प्लान पूछती है। केलव एक दूर की सिटी में जाने वाला था, उसे पता था कि वहां पर लोग जिंदा है। फिर लूमिस उसे कहता है कि तुम्हारे बॉडी पर रेडिएशंस है, तुम्हें कुछ दिन यहाँ पर आराम करना चाहिए। घर के बाहर वो टेंट लगाकर रह सकता है। जब लूमिस और एन अंदर आते हैं तो एन लूमिस से कहती है कि क्या तुम उसे बाहरी सुलाने वाले
रहे हो, उसे हमें घर बुलाना चाहिए। लुमिस उसकी बात मान लेता है, फिर कैलब को अंदर बुलाता है, उसे अच्छा सा एक रूम देता है। फिर ये सब लंच करते हैं। लंच खत्म होने के बाद लुमिस एन से बात करता है कि तुम उसे अंदर क्यों आने दे रहे हो। फिर एन कहती है, तुम्हारे ना होने के बाद मैं भी ऐसी अकेली थी। अकेला होना जिंदगी को कितना मुश्किल बना देता है ये मुझे पता है, लेकिन अब वो अकेला है इसलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। फिर अगली सीन में लुमिस और कैलब शिकार करने के लिए जाते हैं। फिर इन्हें आइडिया आया कि शिकार कौन पहले करता है। फिर ये कहते हैं कि हम दोनों को वीट लगानी चाहिए, जो पहले शिकार करेगा एन उसकी हो जाएगी। ये कहने के बाद वो हंसने लग जाता है, लेकिन लुमिस को यहाँ पर काफी जलन फील होता है। लुमिस शिकार कर लेता है। अब आगे वो किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा इस बात के बारे में वो कैलब से कहता है। अब ये दोनों एन को पाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पर काम करना शुरू कर देते हैं। एक दिन कैलब और एन वॉक पर जाते हैं। अब यहाँ पर कैलब एन को लुमिस के बारे में काफी अपसेट बातें बोलता है। कैलब अब एन को लुमिस के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। इन दोनों को वॉक से वापस आते हुए लुमिस देख लेता है। वो एन से कहता है, अगर तुम्हें कैलब अच्छा लगा, तुम इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, अगर हाँ तो मैं तुम्हें अपने साथ रहने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन एन कहती है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। वो बेचारी काफी हर्ट होकर वहां से चली जाती है। अब ऐसे ही थोड़े दिन बीत जाते हैं। कैलब और रुमेश इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने पर काम कर रहे थे। एक रात सबने मिलकर एक साथ डिनर किया। डिनर करने के बाद ये सब काफी इंजॉय करते हैं। लुमिस ने आज रियलाइज किया कि वो एन से बहुत ज्यादा प्यार करता है। रात में ये सब लीक के पास आया। स्विमिंग करने के बाद लुमिस एन से कहता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये सुनकर एन को भी बहुत अच्छा लगता है। लुमिस ने आज बहुत ज्यादा ड्रिंक किया था इसलिए वो ऐसे ही सो जाता है। एन भी ड्रिंक थी इसलिए वो कैलब और लुमिस के बीच में कंफ्यूज थी, इसलिए वो कैलब के पास आ जाती है। वो आज रात उसके साथ इंटीमेट हो गई। सुबह ब्रेकफास्ट करते वक्त एन के पास कैलब आया। इन दोनों को एक साथ देखकर लुमिस समझ जाता है कि कल रात इन दोनों ने एक साथ बिताया है। काम करते वक्त लुमिस ने कैलब से कहा, अगर तुम नहीं आते तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ही नहीं पाते। तुम जाने वाले थे इसलिए मैंने कल रात एन को तुम्हारे पास अल्टीमेट होने के लिए भेजा था। कल रात जो भी हुआ ये मेरे कहने से ही हुआ था। लेकिन कैलब कहता है, मेरे को और एन को देखकर तुम जलते हो इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो। इसके बाद ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी पर काम कर रहे थे। कैलब रस्सी के सहारे स्लोली स्लोली नीचे जा रहा था। उसकी डोर लुमिस के हाथ में थी। लुमिस के मन में थॉट आया। वो सोचता है अगर उसने इस रस्सी को छोड़ दिया तो वो कैलब को यहीं पर मार सकता है। लुमिस एन से बहुत प्यार करता था, वो नहीं चाहता था कि उन दोनों के बीच में कोई और आए, इसलिए लुमिस उस रस्सी को छोड़ देता है। इसके बाद लुमिस घर पर आता है तो एन उसे सॉरी कहती है और बोलती है, उस रात जो भी हुआ वो बस एक गलती की वजह से हुआ, वो ड्रिंक करने की वजह से कंफ्यूज थी। लुमिस कहता है, अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, कैलब यहाँ से काफी दूर जा चुका है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि लुमिस ने कैलब को वाकई में ही मार दिया था। इसके बाद थोड़े दिन और बीत चुके थे। लुमिस ने सक्सेसफुली इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट कर दिया था। एन इन सब चीजों को देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। एन अब लुमिस पर भरोसा करती थी। अब बिना किसी कंफ्यूजन के ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये मूवी की कहानी अच्छा लगा है तो प्लीज दिल से इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। टेक केयर। बाय बाय।